Hello friends, welcome to my YouTube channel CSE Tutorials. So Microsoft Excel सीखने की इस सीरीज में ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें आज हम बात करेंगे Microsoft Excel में इंट्रोडक्शन के बारे में. So सबसे पहले हम जिसमें बात करेंगे कि Microsoft Excel क्या होता है और इसके क्या क्या यूज हैं, इसका यूज हम कहाँ पर कर सकते हैं, फिर हम उसमें माइक्रोसॉफ्ट को कैसे ओपन करते हैं, कैसे इसको स्टार्ट करते हैं ये हम सीखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन, एक बेसिक ओवरव्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो. सो सबसे पहले अगर हम बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है. ठीक है, सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम है या कह सकते हैं एक प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है. सो इसका यूज हम बेसिकली डेटा को, हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए और इसको मैनेज करने के लिए बेसिकली इसका यूज करते हैं. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम हमारे डेटा को सिक्योरली स्टोर कर सकते हैं और उस पर हम कुछ कैलकुलेशन, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, या फिर टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना, या फिर बजट कैलकुलेट करना, मतलब काफ़ी सारी कैलकुलेशन हम हमारी डेटा पे वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करके हम कर सकते हैं. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करके हम हमारे डेटा को ग्राफ, पाई चार्ट, ठीक है, इनमें भी हम शो कर सकते हैं, हमारे रिजल्ट को ग्राफ या पाई चार्ट में भी हम शो कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करके. ठीक है, सो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम स्टार्ट कैसे करते हैं और फिर हम बात करेंगे उसके बेसिक ओवरव्यू के बारे में. ठीक है, सो सबसे पहले अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आप जो विंडो का आइकन है इस पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर आपको, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तो यहाँ पर आपको जो भी प्रोग्राम्स हैं सारे वो यहाँ पर आपको सॉर्टेड दिख रहे हैं. ठीक है, सो हम यहाँ पर एम पर जाएंगे. ठीक है, तो एम पर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मैं अभी 2013 वाला वर्जन यहाँ पर यूज कर रहा हूँ. ठीक है, सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस वाले ऑप्शन पे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा. सो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो भी रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं वो सारे यहाँ पर शो कर रहा है. ठीक है, सो हम बात कर रहे थे एक्सेल के बारे में. ठीक है, सो यहाँ पर मैं एक्सेल 2013 पे यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमें ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यहाँ पर ओपन कर देगा. ठीक है, इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ. सो यहाँ पर हम पहली बार इसको ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को. सो कुछ ये इस तरीके से यहाँ पर हमें दिखेगा. ठीक है, एक तरीका तो ये होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने का. ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ. और यहाँ पर दूसरा तरीका है, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या कोई भी प्रोग्राम ओपन करना है तो सिंपल आप अपने कीबोर्ड से यहाँ पर विंडो की प्रेस करेंगे और उसके बाद सिंपल आप टाइप करेंगे यहाँ पर MS Excel. ठीक है, सो आप जैसे ही यहाँ पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको एक्सेल 2013 यहाँ पर ये शो कर देगा. ठीक है, इस पर क्लिक करके भी आप इसको यहाँ पर ओपन कर सकते हैं. ठीक है, सो जब फर्स्ट टाइम इसको हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमें ये दिखाई देगा. ठीक है, यहाँ पर जो रिसेंट फाइल्स है हमारी वो यहाँ पर शो करेगा. ठीक है, और यहाँ पर आपको ब्लैंक वर्कबुक या बिलिंग स्टेटमेंट, ये काफ़ी सारी यहाँ पर आपको ऑलरेडी शीट्स यहाँ पर बनी बनाई मिलेंगी. ठीक है, सो आपको ब्लैंक वर्कशीट पे काम करना है. सबसे पहले हम ब्लैंक वर्कबुक ही यहाँ पर ओपन करेंगे, तो आपको ब्लैंक वर्कबुक को क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है. ठीक है, सो ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. ठीक है, जो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखता है. सो हम बात करेंगे अब इसके एक बेसिक ओवरव्यू के बारे में कि यहाँ पर क्या टैब्स हैं, ये क्या है, इनके बारे में हम यहाँ पर अच्छे से एक बार समझेंगे, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे. सो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो ये रेड ऊपर जो बार आ रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं
टाइटल बार, ठीक है, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपको ये शो कर रहा है, ये यहाँ पर आपको जो ये बुक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीट है, इसका यहाँ पर नेम आपको शो कर रहा है, ठीक है। बुक वन आपको यहाँ पर शो करेगा और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। इसके लेफ्ट में अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कुछ आइकन्स यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं, ठीक है। सो इन आइकन्स को, जो लेफ्ट में टॉप पे आइकन्स हैं, इन आइकन्स को हम बोलते हैं क्विक एक्सेस बार, ठीक है। यहाँ पर ये क्विक एक्सेस के लिए लिंक है, जैसे यहाँ पर ये है सेव करने के लिए, यहाँ पर ये है अंडो के लिए, और यहाँ पर है ये रीडू के लिए, ठीक है। सो एक कुछ क्विक एक्सेस लिंक है जो ऑलरेडी यहाँ पर हमें प्रोवाइड की गई है, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ और ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो यहाँ पर साइड में जो ये ड्रॉप डाउन एरो यहाँ पर शो कर रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर अभी तीन हैं जो यहाँ पर सेलेक्टेड हैं, सेव, अंडू और रीडू, ठीक है। ये तीनों यहाँ पर सेलेक्टेड हैं, तो इसीलिए तीन यहाँ पर शो कर रहा है, सेव, रीडू और अंडू, ठीक है। अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो वहां पर आप इनको सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए, न्यू के लिए एक लिंक यहाँ पर मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं न्यू को यहाँ पर सेलेक्ट कर दूंगा। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर न्यू के लिए भी यहाँ पर जो शॉर्टकट है वो हमें यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीट या वर्कबुक यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। नया एक डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको आपको रिमूव करना है वापस, तो रिमूव करने के लिए भी सेम आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जिसको भी आपको रिमूव करना है उसको आपको अनचेक कर देना है, ठीक है। जैसे मैं न्यू को रिमूव करना चाहता हूँ तो वापस इस पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर न्यू वाला ऑप्शन है, जो शॉर्टकट है वो वापस रिमूव हो जाएगा, ठीक। तो ये तो था आपकी जो क्विक एक्सेस बार है, इसमें आप कैसे शॉर्टकट्स ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हम इस टाइटल बार के राइट में बात करें, तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो ये ऑप्शंस है, जो क्वेश्चन मार्क का सिंबल है, ये है माइक्रोसॉफ्ट हेल्प के लिए, ठीक है। आप इस पे क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट हेल्प के लिए आप ऑनलाइन यहाँ पर पढ़ सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो इसके बाद आपको जो ऑप्शंस है, ये है मिनिमाइज के लिए, ये मैक्सिमाइज के लिए, और ये इसको क्लोज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ये है रिबन को डिस्प्ले करने का ऑप्शन। अब यहाँ पर रिबन क्या होता है, यहाँ पर जो ये आपको कंप्लीट ये बॉक्स दिख रहे हैं, ठीक है, इसको हम पूरे को बोलते हैं रिबन, ठीक है। सो इस रिबन को आप यहाँ पर हाइड कर सकते हैं या इसको ऑटो हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं इसको शो करवाना चाहता हूँ, तो इस शो टैब्स यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर इसको हटा भी सकता हूँ, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर जो शो टैब्स है, ठीक है, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर वो जो रिबन है, जो वो ब्लॉक्स शो कर रहे थे, वो हाइड हो जाएंगे, और इनको बोलते हैं हम यहाँ पर टैब्स, ठीक है। ये टैब्स हैं, ठीक है, ये विजिबल रहेंगी, जो रिबन था, जो बॉक्सेस थे, वो यहाँ पर हाइड हो जाएंगे, ठीक है। सो इस ऑप्शन पे क्लिक करके मैं वापस से इनको यहाँ पर मैं शो टैब्स एंड कमांड्स, उनको कमांड्स भी बोलते हैं, इस पे मैं क्लिक करूंगा, तो वहां पर वापस से ये हमें जो ब्लॉक्स हैं, ये यहाँ पर हमें विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। सो इस ऑप्शन का यूज करके आप इस रिबन को, इन ब्लॉक्स को यहाँ पर हाइड भी कर सकते हैं और वापस से शो भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये है टैब्स, ठीक है। इससे पहले हम बात करें इस फाइल ऑप्शन के बारे में। यहाँ पर आपको फाइल का एक ऑप्शन है, इस पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। साइड में आपको यहाँ पर रिसेंट वर्कबुक्स हैं, जो भी हमने अभी वर्कबुक्स क्रिएट की है रिसेंटली, वो यहाँ पर आपको शो करेंगी। उन पे क्लिक करके आप इनको ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और इधर आपको सेव, सेव एज, प्रिंट करने के लिए या शेयर करने के लिए, क्लोज करने के लिए ऑप्शंस आपको यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है।
अगर मैं वापस यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर इसके बाद ये हैं आपको टैब्स, यहाँ पर होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डेटा है, रिव्यू है, ये इनको टैब्स बोलते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर होम है, जैसे अगर अभी होम सेलेक्टेड है तो होम से रिलेटेड जो भी टैब, जो भी ब्लॉक्स हैं, जो भी कमांड्स हैं, वो यहाँ पर आपको शो करना है। जैसे ये वाला ब्लॉक है, ये है क्लिपबोर्ड है, यहाँ पर आप कट या कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला बॉक्स है जो फॉन्ट से रिलेटेड बॉक्स है, तो यहाँ पर आप फॉन्ट से रिलेटेड जो भी कमांड्स हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इधर अलाइनमेंट है, आप अलाइनमेंट यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ये नंबर वाला ब्लॉक है, ये स्टाइल्स वाला ब्लॉक है, ये सेल वाला ब्लॉक है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ब्लॉक्स आपको अवेलेबल है। अगर आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंसर्ट टैब से रिलेटेड जो भी, जैसे आप कोई टेबल इंसर्ट करवाना चाहते हैं, पिक्चर इंसर्ट करवाना चाहते हैं, कोई ग्राफ या बार ग्राफ वगैरह इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो वहां पर आप इंसर्ट वाले टैब से कर सकते हैं, ठीक है। सो ये टैब्स हैं, टैब्स के बाद ये ब्लॉक्स हैं, ठीक है। अगर अब इनसे भी नीचे मैं आता हूं तो यहाँ पर ये वाला बॉक्स है, आपको ये है नेम बॉक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स क्या होता है, जो भी इनको, ये एक कंप्लीट सीट है एक्सेल की, ठीक है। इसमें ये जो यहाँ पर ए बी सी डी ऐसे शो कर रहा है, तो इनको हम बोलते हैं कॉलम्स, ठीक है। इनको हम बोलते हैं कॉलम्स, और 1 2 3 4 5 ये है रोज, ठीक है। सो आप ऐसे हॉरिजेंटली जो है इनको रोज बोलेंगे, और वर्टिकली है इनको आप कॉलम्स बोलेंगे, ठीक है। और जैसे ये एक सेल है जो छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, तो इन एक ब्लॉक को आप सेल बोलते हैं यहाँ पर। सो ये सेल होते हैं, ठीक है। तो ये नेम बॉक्स है जो क्या करेगा, ये नेम बॉक्स है जो जो भी सेल सेलेक्टेड है उसका नेम यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ पर पहले वाले सेल को सेलेक्ट करता हूँ, तो इसका नेम यहाँ पर जो नेम बॉक्स में शो कर रहा है A1, ठीक है। सो A1 इसका नेम कैसे शो करेगा, ए वाली कॉलम और वन रो, ठीक है। सो इसको A1 इसका नाम हुआ, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी और सेल पे क्लिक करेंगे तो वो उसका नेम आपको नेम बॉक्स में यहाँ पर शो कर देगा। अभी ये सेल है, इसका नाम है C5, मतलब सी वाली कॉलम में 5th रो, ठीक है। तो इसका नेम है C5। तो ये नेम बॉक्स वाला कॉलम है जो कि करंट में जो भी सेलेक्टेड सेल है उसका नेम यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्लैंक स्पेस, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार, ठीक है। फॉर्मूला बार का यूज हम फॉर्मूले लिखने के लिए यूज में करते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि फॉर्मूले कैसे लिखते हैं। जैसे सब टोटल करने के लिए, एवरेज या मिनिमम मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला यहाँ पर राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बार है जिसमें हम फॉर्मूला राइट कर सकते हैं, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये रोज कॉलम और यहाँ पर सेल के बारे में हमने बात कर ली है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये है यहाँ पर स्क्रॉल बार, ठीक है। इसको यहाँ पर आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। और ऐसे ही बॉटम में भी यहाँ पर लेफ्ट राइट स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल बार आपको प्रोवाइड किया गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप बॉटम में अगर लेफ्ट में देखते हैं तो यहाँ पर आपको सीट 1 यहाँ पर शो कर रहा है, मतलब कि ये एक्सेल की सीट है, ठीक है। ये कंप्लीट है, ये एक एक्सेल की सीट है। अगर आप और सीट यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं तो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको और सीट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सीट 2 क्रिएट हो गई, ठीक है। तो ये सीट 1 है और ये सीट 2 है, ठीक है। इसी तरीके से आप कितनी भी सीट्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसको सीट को, किसी सीट को डिलीट करने के लिए सिंपल इस पे राइट क्लिक करके आप यहाँ पर इसको डिलीट भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको डिलीट करना है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पर बॉटम में अगर आप राइट साइड में देखते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। ये ऑप्शन है जो यहाँ पर है जूम करने के लिए, ठीक है, जूम इन और जूम आउट करने के लिए, ठीक है। अभी ये 100% है, 100% का मतलब है जो भी एक्चुअल में जो पेज है वो यहाँ पर ऐसा शो करेगा। अगर आपको इसको जूम इन और जूम आउट करना है तो आप यहाँ पर प्लस और माइनस का यूज करके इजीली यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। आपको जूम करना है तो यहाँ पर आप जूम कर सकते हैं, और आपको वापस जूम आउट करना है तो आप जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्टली यहाँ पर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे ये है पेज
लेआउट के लिए, ये है पेज ब्रेक के लिए और ये है नॉर्मल। तो इनका यूज कहाँ करते हैं, जैसे नॉर्मल है इस, अगर ये सेलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट यही सेलेक्टेड होता है, सो नॉर्मल में आपको जो भी एक्सेल सीट नॉर्मली होती है वो यहाँ पर आपको शो करेगा। अगर मैं सेकेंड वाला ऑप्शन जो है पेज लेआउट, इस पे क्लिक करूंगा, तो पेज लेआउट का मतलब है कि जब ये सीट को हम प्रिंट करेंगे तो ये इसका फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है, प्रिंट करने के बाद कैसी ये हमें शो करेगा, क्या इसका फॉर्मेट होगा, वो यहाँ पर आपको शो कर देगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड है वो है पेज ब्रेक के लिए, ठीक है। पेज ब्रेक मतलब कि जब प्रिंट करेंगे तो आपको जो नेक्स्ट पेज है, जो पेज कहाँ से ब्रेक होगा, इसको शो करने के लिए आपको यहाँ पर ये पेज ब्रेक यहाँ पर शो कर देगा। तो ये ऑप्शंस हैं। अभी मैं नॉर्मल पे क्लिक करूंगा तो जो नॉर्मल सीट है वो यहाँ पर आपको शो कर देगा। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, इसको हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके बाद हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बेसिक ओवरव्यू यहाँ पर हमने देखा है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो और ट्यूटोरियल्स यहाँ पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स और वीडियोस ऑलरेडी मैंने यहाँ पर अपलोड की हुई है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।